गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ आर नेक्स्ट क्लास ऑफ फार्माकोलॉजी इन विच वी विल स्टडी अबाउट द रिमेनिंग ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन विच टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स. इन आर प्रीवियस क्लास वी स्टडीड अबाउट द कोलिनर्जिक एंड ऑल्सो द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, their systems, how they functions, what are their functions. Now today we will elaborate all these activities, all these actions of anticholinergic drugs. तो देखिए anticholinergic drugs जो हैं इनकी क्या खासियत है कि ये drugs वो drugs हैं जो कि acetyl choline के action को block कर देती है या inhibit कर देती है PSNS के अंदर. क्योंकि हमने कहा था ना PSNS जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है उसके अंदर मेन न्यूरोट्रांसमीटर ACH यानी एसिटाइल कोलीन होता है. एसिटाइल कोलीन मेन न्यूरोट्रांसमीटर है और एसिटाइल कोलीन कौन सी कैटेगरी में आता है, कोलिनर्जिक ड्रग्स या एगोनिस्ट. कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की क्लास में सबसे पहला जो हमने केमिकल पढ़ा था, जो सबसे पहली ड्रग हमने पढ़ी थी, ये नेचुरल होती है, हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है, न्यूरोट्रांसमिशन का वर्क कर रही होती है. इस ACH के एक्शन को जो ब्लॉक कर देती है, रोक देती है, इनहिबिट कर देती है, उन ड्रग्स को हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स कहते हैं या कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स या पैरासिम्पैथोलाइटिक्स कहते हैं. उन्हें हमने पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स कहा था. ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को रोक रहा है, तोड़ रहा है, इसलिए लाइटिक्स वर्ड हमने यूज़ कर दिया, पैरासिम्पैथोलाइटिक्स. अक्सर हम इनको एंटी कोलिनर्जिक्स या एंटी मस्कारिनिक्स भी कहते हैं, एंटी कोलिनर्जिक्स एंड एंटी मस्कारिनिक्स. अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है भाई, सबसे पहले ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं. अब ये एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट क्या चीज़ होती है भाई, एगोनिस्ट तो वो है जो उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे होते हैं, वो तो होता है एगोनिस्ट, जो किसी चीज़ के साथ में वर्क कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे होते हैं, ड्रग के साथ, ड्रग के अकॉर्डिंग, या जो हम चाह रहे हैं, जैसा एक्शन हम चाह रहे हैं वैसा एक्शन हो रहा होता है, तो वो एक्शन तो कहलाता है एगोनिस्ट एक्शन. और उस एक्शन के अगेंस्ट में अगर कोई वर्क हो रहा है, उससे उल्टा, उससे विपरीत कोई अपना असर दिखा रहा होता है, तो हम उसको एंटागोनिस्ट कह देते हैं. ये टर्म्स, दो टर्म्स हैं, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट. ये एक्चुअली जो टर्म्स हैं ये हमारे को सबसे पहले अपने को जनरल जब अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं टर्म्स ही हमारे को पता होनी चाहिए कि एगोनिस्ट का क्या मतलब होता है, एंटागोनिस्ट का क्या मतलब होता है. तो देखिए एगोनिस्ट की मैं अगर आपको डेफिनेशन बोल के बताऊँ कि एगोनिस्ट कौन सी ड्रग्स होती है, ड्रग दैट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फार्माकोलॉजिकल एक्शन आफ्टर बाइंडिंग टू द रिसेप्टर इज कॉल्ड एगोनिस्ट. जहाँ पर जो असर दिखाना है जिस जगह पर, वहाँ पर मैंने आपको बताया था रिसेप्टर्स क्या होते हैं, हर एक सेल के ऊपर साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे होते हैं जिनको अपन रिसेप्टर्स कहते हैं. रिसेप्टर्स और बाइंड होकर ड्रग अपनी एक्शन दिखाती हैं. तो कोई ड्रग जो कि रिसेप्टर पर बाइंड होकर के फार्माकोलॉजिकल एक्शन को प्रोड्यूस करने में कैपेबल होती है, उनको अपन एगोनिस्ट कहते हैं. और वो ड्रग जो रिसेप्टर पर बाइंड होने के बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं दिखा पाती है, उनको अपन एंटागोनिस्ट कहते हैं. तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या हैं, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होती हैं. ये एसिटाइल कोलीन के साथ में कंपीट करती है, मतलब ये एंटागोनिस्ट किसकी है, एसिटाइल कोलीन की एंटागोनिस्ट है और ये एसिटाइल कोलीन के साथ में कंपीट करती हैं. ये एसिटाइल कोलीन को ब्लॉक कर देती है उसके मस्कारिनिक रिसेप्टर्स पर जो PSNS में पाए जाते हैं. ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ मस्कारिनिक रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पर होते हैं, हार्ट, स्मूथ मसल्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और CNS के ऊपर ये मस्कारिनिक रिसेप्टर्स एसिटाइल कोलीन के पाए जाते हैं. तो उनको रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगी, ब्लॉक कर देगी, एसिटाइल कोलीन रिसेप्टर्स पर बाइंड ही नहीं हो पाएगा. कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होती है इनकी, मतलब आपने एसिटाइल कोलीन भी दिया है और एंटागोनिस्ट भी उसका दिया है, तो ये दोनों कॉम्पीट करेंगे. और कम्पीट करने से अगर एंटागोनिस्ट बाइंड हो गया तो एसिटाइल कोलीन बाइंड नहीं हो पाएगा उन रिसेप्टर्स पर और अपना एक्शन नहीं दिखा पाएगा. ये रिवर्सल होता है, रिवर्सल होता है मतलब जब ये कंपटीशन चल रहा है ना एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बीच में, तो उसके अंदर अगर आप एसिटाइल कोलीन का अमाउंट बढ़ा देंगे या उस एगोनिस्ट का अमाउंट बढ़ा देंगे
तो एंटागोनिस्ट रिसेप्टर पर ज़्यादा बाइंड नहीं हो पाएगा, कुछ एक रिसेप्टर्स पर बाइंड होगा हो पाएगा, यानी उसका ब्लॉकेज डिक्रीज हो सकता है। तो ये एक रिवर्सल प्रोसेस है और हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, हम घटा भी सकते हैं, इसको रोक भी दे सकते हैं। मतलब देखो, रिवर्सल रिवर्सल दो तरह के एक्शंस होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। रिवर्सल एक्शन जिसके अंदर एक बार ब्लॉकेज हो गया फिर उस एंटागोनिस्ट को हटा दो तो वापस वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन अगर ड्रग दिखा पाई तो रिवर्सल, क्योंकि वापस ठीक हो गई वो कंडीशन। और रिवर्सल जिसमें एक बार ब्लॉकेज हो गया आप उसके बाद उसको हटाओ करो पर वो फिर भी एगोनिस्ट जो है अगर अपना एक्शन नहीं दिखा पा रहा तो इरिवर्सिबल एक्शन कहलाता है। एक बार ये रिसेप्टर्स पर बाइंड हो जाती हैं एंटागोनिस्ट, अगर ये ड्रग्स अगर एक बार बाइंड हो गई तो ये नर्व ट्रांसमिशन को इन रिसेप्टर्स पर इनहेबिट कर देगी, नर्व ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी, ये अपना एक्शन एसिटाइलकोलिन नहीं दिखा पाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देखिए भाई, इसको अपन मस्कैनिक एंटागोनिस्ट कहते हैं, एट्रोपिनिक ड्रग्स कह लेते हैं, पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स कह लेते हैं। तो ये तीन कैटेगरी में दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, नेचुरल एल्केलॉइड, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स। सेमी सिंथेटिक कंपाउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द एंटी सीक्रेटरी, एंटी स्पास्मोडिक्स, माइड्रियाट्रिक्स, वैसिको सेलेक्टिव एंड एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरल एल्केलॉइड्स आर फर्दर डिवाइडेड इंटू एट्रोपिन, हायोसाइन, ऑल्सो नोन एज स्कोपोलामाइन, ये हायोसाइन का दूसरा नाम है स्कोपोलामाइन। आप आराम से इन ड्रग्स को बोलने की कोशिश करेंगे तो आप प्रोनंसिएशन सीख जाएंगे, एक बार थोड़ा सा इनका प्रोनंसिएशन आपको मुश्किल लगेगा, इसलिए आप धीरे धीरे किसी ड्रग को बोलना स्टार्ट करें तो आप क्लियर बोल पाएंगे। सेकेंड कैटेगरी इज सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स, इन विच द ड्रग्स कम अंडर दिस कैटेगरीज आर एट्रोपिन मिथोनाइट्रेट, होमाट्रोपाइन, हायोसाइन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टियोट्रोपियम ब्रोमाइड। नाउ द थर्ड कैटेगरीज विच इज सिंथेटिक कंपाउंड्स विच आर फर्दर डिवाइडेड इंटू एंटी सीक्रेटरी, एंटी स्पास्मोडिक्स, दीज एंटी सीक्रेटरी, एंटी स्पास्मोडिक्स आर ऑल्सो फर्दर कैटेगराइज इंटू क्वार्टनरी कंपाउंड्स एंड टर्शरी अमीन्स। नाउ क्वार्टनरी कंपाउंड्स कंटेन्स द ड्रग्स प्रोपानथैलिन, ऑक्सीफिनोनियम, क्लेडिनियम, पाइपेनजोलेट, मिथाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपामाइड, ग्लाइकोपाइरोलेट एंड द टर्शरी अमीन्स कंटेन डाइसाइक्लोमिन, वैलीथामेट, पायरेन्जेपाइन। नाउ द सेकेंड कैटेगरी ऑफ सिंथेटिक कंपाउंड्स आर माइड्रियाटिक्स, माइड्रियाटिक्स कंटेन द साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड। सेकेंड कैटेगरी इज वैसिको सेलेक्टिव, इन विच ऑक्सीब्यूटिनिन कम, फ्लेवोक्सेट एंड टॉलटेरोडाइन कम अंडर दिस कैटेगरी। लास्ट कैटेगरी इज एंटी पार्किंसोनियन, पार्किंसोनिज्म एक डिजीज कंडीशन होती है ना, आपको पता है दिमागी बीमारी है ये एक। तो इसके अंदर जो कंपाउंड्स आ रहे हैं वो है ट्राईहेक्सीफेनिडाइल, जिसको अपन बेंज हेक्सोल भी कहते हैं, प्रोसाइक्लिडिन एंड बाईपैरिडिन। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। नाउ वी विल डिस्कस ऑल दीज कैटेगरीज ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या है, इसमें ये प्रोटोटाइप एंटी मस्कैलिनिक ड्रग होती है, मतलब एंटी मस्कैलिनिक ड्रग का प्रोटोटाइप है एट्रोपिन, जो कि एट्रोपा बेलेडोमना एक प्लांट है वहाँ से, जिसको अपन डेडली नाइट शेड भी कहते हैं, वहाँ से ये डिराइव होती है। इसके अलावा ये दतूरा स्ट्रोमोनियम, जिसको अपन आम भाषा में थॉर्न एप्पल कहते हैं, दतूरा तो आप प्लांट अच्छे से जानते ही हैं, एट्रोपा और दतूरा ये दो प्लांट्स हैं जिनमें से अपन को एट्रोपिन मिलती है। इसकी हिस्ट्री क्या है कि इटालियन रेनेसेंस में डायलेटेड प्यूपल्स जो है वो चाहते थे कि उनकी जो प्यूपल्स हैं वो डायलेटेड रहें, ऐसे उन्होंने कंसीडर किया था, इस डिज़ायर को उन्होंने कंसीडर किया था, तब उन्होंने एक प्लांट एक्सट्रैक्ट यूज़ किया था कॉस्मेटिक आई ड्रॉप के रूप में।
इसलिए इसका नाम जो है वो बेलाडोना है। बेलाडोना का मतलब होता है ब्यूटीफुल लेडी, इटालियन भाषा के अंदर ब्यूटीफुल लेडी को बेलाडोना कहते हैं, जो बड़ी बड़ी आंखों वाली खूबसूरत सी महिला। तो वो चाहते थे कि आंखों की जो पुतलियां हैं वो डायलेटेड रहे, उसके लिए इन्होंने ये वाली आई ड्रॉप जो है कॉस्मेटिक आई ड्रॉप प्रिपेयर करी थी प्लांट एक्सट्रैक्ट से। कौन से प्लांट? एट्रोपा और दतूरा प्लांट से उन्होंने ये दवाई बनाई थी। तो ये एट्रोपेन की हिस्ट्री के इस तरह से एट्रोपेन जो है हमारे को मिली थी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मैं वापस से आपको बता दूं, हमने ड्रग्स एक्टिंग ऑन ANS स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने कॉलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ ली थी। कॉलिनर्जिक के साथ में हमने थोड़ी बहुत एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ी थी। इसके बाद हम एंटी कॉलिनर्जिक एजेंट्स को डिटेल के अंदर अभी आज स्टडी कर रहे हैं। तो डिटेल के अंदर स्टडी करने से पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था एंटीकॉलिनर्जिक का। एंटीकॉलिनर्जिक ड्रग्स एक्चुअली क्या होती है? जो कॉलिनर्जिक ड्रग्स से एक्शन को ब्लॉक कर देती हैं, कॉलिनर्जिक ड्रग्स का। फिर हमने ये पढ़ा था कि एंटीकॉलिनर्जिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन एक्चुअली दो तरीके से क्लासिफाई होती है, क्योंकि ये कॉलिनर्जिक के अगेंस्ट में वर्क कर रही हैं। तो कॉलिनर्जिक जो ड्रग्स होती है हमने पढ़ा, उसके अंदर दो रिसेप्टर होते हैं, मस्क्रेनिक और निकोटिनिक। दोनों रिसेप्टर्स के अगेंस्ट में ये वर्क कर रही होती है। जो मस्क्रेनिक रिसेप्टर पे अगेंस्ट वर्क कर रही है उनको अपन एंटी मस्क्रेनिक एजेंट्स कहते हैं, और जो निकोटिन के अगेंस्ट में वर्क करती है उनको अपन एंटी निकोटिनिक एजेंट्स कहते हैं। एंटी निकोटिनिक एजेंट्स को फर्दर डिवाइड करते हैं गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स और न्यूरोमस्क्यूलर ब्लॉकर्स, यानी NM ब्लॉकर्स और NN ब्लॉकर्स अपन पढ़ रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले एंटी मस्क्रेनिक एजेंट्स की अगर बात करें तो ये वो ड्रग्स होती हैं जो एस्टाइल कोलिन के मस्क्रेनिक एक्शन को ब्लॉक कर देती है हार्ट, सीनस, स्मूथ मसल्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पे। इनमें जो ड्रग्स आती हैं वो हैं एट्रोपिन, स्कोपोलामिन, जो कि बेलाडोना एल्केलॉइड्स कहलाती हैं। यहाँ नाम आया ना बेलाडोना प्लांट से ये मिल रही हैं, इसलिए इनको अपन बेलाडोना एल्केलॉइड्स कहते हैं, एट्रोपिन और स्कोपोलामिन को। ये एक्चुअली एक्शन कैसे कर रही होती है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये एक्चुअली जो ड्रग्स हैं वो नेचुरल सिंथेटिक दोनों टाइप की ड्रग्स हैं। कॉम्पिटिटिवली ये ACH के मस्क्रेनिक इफेक्ट को ब्लॉक कर देती है, इसलिए इसको अपन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म कहते हैं, कि कॉम्पिटिशन चलता है मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स के लिए एस्टाइल कोलिन और एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन के बीच में। एस्टाइल कोलिन एगोनिस्ट है, एट्रोपिन स्कोपोलामिन एंटागोनिज्म है। तो ये दोनों आपस में झगड़ा करती है, जो जीत जाती है वो अपना फंक्शन कर देती है। एस्टाइल कोलिन जीत गई तो वो अपना कॉलिनर्जिक इफेक्ट दिखा देंगी, एट्रोपिन जीत गई तो वो कॉलिनर्जिक या एस्टाइल कोलिन को ब्लॉक कर देती है। एक्चुअली एट्रोपिन जो है, अब हम उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, ये एक प्रोटोटाइप ड्रग होती है और बेलाडोना का चीफ एल्केलॉइड यही होती है। इसका फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस, ये बहुत सारे एक्शन दिखा रही होती है जो अभी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। देखो पहले तो ये कहाँ कहाँ पर एक्शन दिखा रही है उनके नाम मैं एक साथ बता देती हूँ। ये CNS पे, GIT पे, एक्सोक्राइन ग्लैंड पे, यूरिनरी ट्रैक पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, आई और CVS के ऊपर अपना अपना एक्शन दिखाती है। इन सारे एक्शंस को एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ, फिर अपन डिटेल में अपन पढ़ते हैं। CNS के ऊपर ये क्या करती है, ट्रिमोर्स को कंट्रोल करने के लिए और पार्किंसोनिज्म की रिजिडिटी के लिए काम करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को ये कम कर देती है। GIT में टोन को कम कर देती है, गट की मोटिलिटी को कम कर देती है, जिससे कि स्पाज़म से आराम मिलता है। एस्टाइल कोलिन मैंने आपको पढ़ाया था स्पाज़म करता है, ब्रोंको स्पाज़म कर देता है, कॉलिनर्जिक ड्रग्स जो होती हैं, और स्फिंक्टर टोन को बढ़ा देती हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन कॉज हो जाता है। कॉलिनर्जिक ने डायरिया कॉज किया था, ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करती हैं। यूनिट्रैक में ये डेटेसर मसल के टोन को कम करती है, कॉलिनर्जिक ने बढ़ाया था, और ट्राइगोनल स्फिंक्टर के टोन को ये बढ़ा देती है, यानी यूरिनरी रिटेंशन करवाती है ये, उसने यूरिनरी रिटेंशन को ख़त्म किया था ये करवा देती है। रेस्पिरेटरी सिक्रीशन में ब्रोंकाई के स्मूथ मसल को रिलैक्स करती है, जिससे कि उसके सारे सिक्रीशन सूख जाते हैं। आई में माइट्रियासिस, साइकोप्लेजिया और लाइट रिफ्लेक्स इससे ख़त्म हो जाता है। CVS में टैकाइकार्डिया, उसने ब्रैडीकार्डिया कहा था, ये टैकाइकार्डिया, इसको टैकीकार्डिया भी आप कह सकते हो, मैं इसको टैकाइकार्डिया प्रोनाउंस करती हूँ, अपना अपना प्रोनंसिएशन है, जैसा भी आप चाहें प्रोनाउंस करिए। तो ये एक साथ मैंने सबके एक्शन बता दिए, अब इंडिविजुअल एक्शन अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट। तो ये कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्स को कम कर देती है टू वेगल स्टिमुलेशन रिजल्टिंग इन टैकाइकार्डिया। वेगल स्टिमुलेशन से CV के रिस्पॉन्स को कम कर देगी, जिससे कि टैकाइकार्डिया या टैकीकार्डिया हो जाता है, यानी हार्ट बीट बढ़ जाती है।
मेनली टैकाइकार्डिया जो है वो वेगल इफेक्ट का एंटागोनिज्म होता है, उसका उल्टा चलता है, वेगल इफेक्ट का उल्टा। वेस्क्यूलर के अंदर कोई डायरेक्ट इफेक्ट इसका नहीं पड़ता, केवल ये क्यूटेनियस वेसल को डायलेट कर देती है तो वो लाल हो जाती है, जैसे बीट आपको लाल रंग की दिखाई दे रही होती है वैसे लाल हो जाती है क्यूटेनियस वेसल लाल। हाइपोटेंसिव इफेक्ट जो मस्कुलिनिक एगोनिस्ट का है वो ब्लॉक हो जाएगा, किसकी वजह से, एट्रोपिन की वजह से। CNS पे क्या इफेक्ट दिखाती है, अगर नॉर्मल डोज में एट्रोपिन दे रहे हो तो ये मेडुलरी सेंटर को स्टिमुलेट कर देगी, हायर डोज देने पर एक्साइटमेंट कॉज करती है, एजिटेशन, सर घूमना स्टार्ट हो जाता है, हेल्यूसिनेशन के अंदर क्या है, हेल्यूसिनाइज्ड पर्सन को आप हेल्यूसिनाइज कर देते हो, आप अपने वश में कर सकते हो, या वो खो जाता है, उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती, दैट इज़ हेल्यूसिनेशन, या फिर वो कोमा में चला जाता है। इसके अलावा मेडुलरी पैरालिसिस हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकती है, और मे बी के पर्सन की डेथ ही हो जाए, क्योंकि CNS भाई मेन आपके बॉडी सिस्टम है। तो इसमें थेरापेटिक डोज में तो ये एंटी पार्किंसोनियन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि कॉलर्जिक ओवर एक्टिविटी को बेसल गैंग्लिया में कम कर देता है, और अगर इसकी लार्जर डोज हो जाए तो एक्साइटमेंट, रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, हेल्यूसिनेशन, मेडुलरी पैरालिसिस, कोमा एंड डेथ ये कॉज कर देता है। तो हमने क्या कहा, इसके अलावा ये वेस्टिबुलर एक्साइटेशन को, आपके वेस्टिबुला में एक्साइटेशन को कम करता है, इसलिए इस को एंटी मोशन सिकनेस प्रॉपर्टीज के अंदर होती है। तो जिनको मोशन सिकनेस होता है, कार में, गाड़ी में, बस में जाने से, झूला झूलने से मोशन सिकनेस जिनको हो रहा होता है, उसमें भी ये एट्रोपिन जो है वो दी जा सकती है। इसके अलावा ट्रिमर को सप्रेस करने का काम करता है, पार्किंसोनियन रिजिडिटी कर देता है, क्योंकि कॉलर्जी ओवर एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है बेसल गैंग्लिया में, ये लाइन में बोल चुकी हूँ। अब ये आई पर क्या एक्शन दिखा रहा होता है, इट इफेक्ट्स ऑन द आई आर डिपेक्टेड, अपन इसको एक्चुअली क्लासिफिकेशन के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, एक्चुअली आई में ये पिपल्स को डायलेट कर देता है, इसको अपन माइड्रियासिस कहते हैं, डायलेटेड पिपल्स, माइड्रियासिस। इसके अलावा ये मस्कारिनिक इनर्वेशन को ब्लॉक करता है सर्कुलर मसल्स के ऊपर, माइड्रियासिस में सर्कुलर मसल्स को, मस्कारिनिक इंटरवेंशंस को ब्लॉक कर देता है, और सीलियरी मसल्स को ये रिलैक्स कर देता है, इसको साइक्लोप्लेजिया कहते हैं, और ग्लूकोमा ज़्यादा बिगड़ जाता है। कॉलिनर्जिक अपन ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में देते हैं, तो अगर किसी का ग्लूकोमा हुआ और आपने एट्रोपिन दे दिया तो वो ज़्यादा बिगड़ जाएगा, ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा ग्लूकोमा, क्योंकि IOP बढ़ जाता है, ये वीनस ड्रेनेज होने नहीं देता एक्वस ह्यूमर का, तो ग्लूकोमा ज़्यादा बिगड़ जाता है। इसमें से थोड़ा सा और देखिए, एक्चुअली एट्रोपिन को अगर आप टॉपिकली एडमिनिस्टर कर रहे हैं आई में, तो ये कॉन्स्ट्रिक्टर पिपल का पैरालिसिस कर सकता है, क्योंकि ये एम रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से माइड्रियासिस होता है, और दूसरा ये सीलेरी मसल का पैरालिसिस कर देता है, जिसकी वजह से एकोमोडेशन का लॉस हो जाता है, क्योंकि एम रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है तो लॉस ऑफ एकोमोडेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से साइक्लोप्लेजिया हो जाता है पर्सन को। तो दो डिसऑर्डर हो रहे हैं, माइड्रियासिस और साइक्लोप्लेजिया, दो डिसऑर्डर्स हैं। ये हुआ आई। इसके बाद GIT के ऊपर ये क्या एक्शन दिखा रहा होता है, तो GIT में देखिए, वैसे GIT क्यों, अपन स्मूथ मसल्स हमने वहाँ बोला था, यहाँ पर भी स्मूथ मसल्स अगर हम बोले तो स्मूथ मसल GIT में, यूरिनरी ब्लैडर में, ब्रोंकाई में पाई जाती है। तो GIT में डिक्रीजेस टोन एंड मोटिलिटी ऑफ द गट बट इंक्रीजेस द स्फिंक्टर टोन एंड मे कॉज कॉन्स्टिपेशन। ये GI की स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, इंटेस्टाइनल और गैस्ट्रिक सीक्रीशन को कम कर देता है, मोटिलिटी और पैरिस्टासिस को कम कर देता है, एंटी स्पास्मोडिक इफेक्ट ये दिखाता है, पर स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पर्सन को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ख़त्म। ये GIT के ऊपर इसका असर है। अब रेस्पिरेटरी पर इसका क्या असर है, तो रेस्पिरेटरी में इट रिलैक्सेस द ब्रोंकियल स्मूथ मसल, इट आल्सो रिड्यूसेस द सीक्रीशन एंड म्यूकोसीलियरी क्लियरेंस रिजल्टिंग इन म्यूकस प्लग दैट मे ब्लॉक द एयर वे। क्या लाइन बोली मैंने, कहा ये ब्रोंकाई के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे कि वहाँ के सीक्रीशंस कम हो जाते हैं, म्यूकोसीलियरी क्लियरेंस होने लगता है, और
जिस एक म्यूकस का प्लग बनेगा उसकी वजह से, क्योंकि म्यूकस क्लियरेंस हो रहा तो लगातार म्यूकस का प्लग बन रहा होता है, अगर वो म्यूकस का प्लग लगातार बना रहा तो एयर वे के अंदर जाके फंस जाएगा, उसको ब्लॉक कर देगा। तो हमने यहाँ पर यही लाइन, मैंने फर्स्ट पॉइंट यही लिखा है कि ब्रोंकियल सिक्रीशन कम हो जाता है, इसलिए ये कई मेडिसिंस, कई बीमारियों के मेडिकेशन के रूप में अपन इसको काम में ले रहे होते हैं। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन भी ये होता है, COPD के ट्रीटमेंट में भी अपन इसको काम में लेते हैं। एट्रोपिन को, एट्रोपिन पढ़ रहे हैं अपन। इसके अलावा ये ब्रोंकियल एयरवे को डायलेट कर देता है, तो एस्थमा के ट्रीटमेंट में भी काम आता है। मैंने कहा था कॉलनर्जिक एस्थमा में कभी नहीं देते हैं, वरना पर्सन मर जाएगा सीधा ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से। तो उसमें कौन सी दवाई देते हैं अपन? एट्रोपिन देते हैं। नेक्स्ट है जिनाइटो यूरिनरी। जिनाइटो यूरिनरी में क्या होता है? इट रिलैक्सेस द डेट्रसर मसल ऑफ द ब्लैडर बट इंक्रीजेस द टोन ऑफ द ट्राइगोनल स्फिंक्टर एंड मे कॉज यूरिनरी रिटेंशन स्पेशली इन एल्डरली मेन विद एनलार्ज्ड प्रोस्टेट। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो ब्लैडर की डेट्रसर मसल्स होती है उनको रिलैक्स कर देता है, पर ट्राइगोनल स्फिंक्टर के टोन को बढ़ा देता है, जिससे कि यूरिन रिटेंशन होने लग जाता है, यूरिन पास नहीं होएगा, स्पेशली ऐसे बूढ़े लोगों में जिनमें प्रोस्टेट एनलार्ज हो चुके। प्रोस्टेटाइटिस एक कॉमन बीमारी है उम्र बढ़ने के साथ में मेल के अंदर, तो उनमें अगर ये ड्रग दी गई तो ये यूरिनरी रिटेंशन करवा देगा उन लोगों में। तो आपको सोच समझ करके दवाई उनको देनी है। तो फर्स्ट पॉइंट ये डेट्रसर मसल को रिलैक्स कर रहा है, इंटरनल स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ा रहा है जिससे यूरिन रिटेंशन होने लग जाता है, यूरेटर की स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, इसलिए ये प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफिक पेशेंट्स के अंदर नहीं दी जाती है। प्रोस्टेट की हाइपरट्रॉफी जिनमें हो जाती है, प्रोस्टेट में हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया दोनों देखा जाता है। ये हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेसिया हम डिटेल में पैथोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। हाइपरट्रॉफी का एक्चुअली मतलब होता है इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल, वाइल हाइपरप्लेसिया इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। ये याद कर लीजिए, बाकी आपको पैथोलॉजी में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी इन चीज़ों को। इसके बाद इसका ग्लैंडुलर एक्शन, स्मूथ मसल्स के तीनों एक्शन GIT, यूरिनरी ब्लैडर और ब्रोंकाई के मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब इसका ग्लैंडुलर एक्शन देखिए। ऑल सीक्रीशंस अंडर कॉलिनर्जिक इन्फ्लुएंस आर रिड्यूस्ड ड्यू टू ब्लॉकेड ऑफ मस्कारिनिक रिसेप्टर्स, दैट इज स्वेट, सलाइवरा, नेजल, थ्रॉट, ब्रोंकियल, गैस्ट्रिक, लेक्राइमल एटसेट्रा, एंड द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन मे बिकम द ड्राई ड्यू टू दिस ड्रग। तो देखिए, सलाइवरी सिक्रीशन कम हो गया, मुंह सूखने लग जाएगा पर्सन का, गैस्ट्रिक एसिड कम हो गया तो पेप्टिक अल्सर के चांसेस बढ़ जाएंगे, स्वेटिंग कम हो रही है जिससे स्किन सूखने लग जाएगी, आपकी स्किन को मॉइस्टन करने का काम करता है स्वेट आपका, और बच्चों के अंदर तो ये फीवर कॉज हो जाता है इसकी वजह से। इसके अलावा ब्रोंकियल सिक्रीशन को कम कर देता है, इसलिए इसको अपन COPD में काम में लेते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया, COPD में अपन काम में लेते हैं, ब्रोंकियल सिक्रीशन कम हो जाता है। COPD भी जो बीमारी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसको अपन पैथोलॉजी के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगी ये डिजीज डिटेल में। अब भाई, थेरापेटिक यूजेस क्या क्या हैं, अपन इस एट्रोपिन को कहाँ कहाँ पर दे रहे हैं? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर जैसे पार्किंसंस डिजीज किसी को हुई है तो अपन बेंजट्रोपिन और ट्राईहेक्सीफेनिडिल नाम की दवाई देते हैं उनको, जो कि लीवोडोपा ना ले रहे हों उनको। ये सलाइवेशन को कम करता है, स्पास्टिसिटी को और ट्रिमर्स को कम करने में काम आता है। मोशन सिकनेस में भी दी जाती है, स्कोपोलामिन के रूप में ये दी जाती है। स्कोपोलामिन ज़्यादा अच्छी दवाई है एट्रोपिन के कंपैरिजन जब अपन मोशन सिकनेस में दे रहे हैं तो। और ड्रग इंड्यूस एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन ड्यू टू एंटीसाइकोटिक्स। एंटीसाइकोटिक्स की वजह से जिनमें एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शंस हो रही हैं तब भी ये अपन देने वाली ये दवाई है जो अपन देते हैं, ज़्यादा अच्छी दवाई मानी जाती है। CVS में अपन एट्रोपिन यूज़ करते हैं हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए, जिनको सिम्टोमेटिक ब्रैडीकार्डिया रहता है उनमें अपन ये दवाई देते हैं। साइनस नोड जिनका सही फंक्शन नहीं कर रहा होता तो ये दी जाती है। सेकेंड डिग्री का हार्ट ब्लॉक किसी के अंदर हो रहा हो, ऐसा सिम्टम आपको दिख रहा है तो आप देंगे। साइनस या नोडल ब्रैडीकार्डिया हो गया हो MI की वजह से, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हार्ट अटैक ही है ये, इसमें ब्रैडीकार्डिया हो रहा है तब भी अपन ये एट्रोपिन देते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज़, माउथ, फेरिंग्स और ब्रोंकाई के सीक्रीशन को कम करने के लिए अपन ये दवाई दे रहे होते हैं।
इसके अलावा ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने के काम आती हैं। एयरवे के रेजिस्टेंस को कम करने के लिए काम में आ रही होती हैं, मतलब अस्थमा के पेशेंट को अपन दे सकते हैं। ब्रोंको डाइलेशन अपन को किसी का करवाना है तो अपन ये दवाई दे सकते हैं। रेस्पिरेटरी एजेंट्स आर यूज टू ट्रीट, ये एजेंट्स अपन किस किस को काम में लेते हैं, एक्सरसाइज की वजह से अगर किसी में ब्रोंकोस्पाज्म हो गया हो, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकाई का इन्फ्लामेशन हो गया हो, एस्थमा किसी को हुआ हो या सीओपीडी हुआ हो, ये सारे कंडीशंस अपन सीओपीडी के अंदर भी पड़ते हैं। सीओपीडी थोड़ी सी ब्रॉड कैटेगरी है, उसके अंदर ये कई बीमारियां एस्थमा ब्रोंकाइटिस वगैरह आती है। तो उसमें हम आइप्राट्रोपियम इनहेलर के रूप में दे रहे होते हैं या टायोट्रोपियम हम दे रहे होते हैं दवाई, ठीक है। तो ये इसका थेरापेटिक यूजेस है। जीआईटी के अंदर ये पीएसएनएस जो ब्लॉकेड हो गया हो, ब्लॉकेड ऑफ पीएसएनएस रिजल्ट्स इन सीक्रीशन कम हो जाएगा, स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, जीआई मोटिलिटी और पैरास्टासिस कम हो जाएगा। जीआईटी एजेंट्स जो अपन यूज़ कर रहे हैं, जैसे पायरेंजेपाइन अपन पैप्टिक अल्सर के लिए देते हैं, एंटी स्पास्मोडी के लिए अपन ब्यूटाइल स्कोपोलामिन देते हैं, इरिटेबल बोवल डिजीज़ किसी को हुई हो पेट में तो प्रोपेंथैलिन नाम की दवाई देते हैं, और जीआई हाइपर सीक्रेटरी स्टेट के लिए भी अपन इसको एट्रोपिन को काम में ले रहे होते हैं। यूरोलॉजिक डिसऑर्डर में एंटी स्पास्मोडिक इफेक्ट दिखाई देता है जब ब्लैडर ओवर एक्टिव जब किसी का हो जाता है तो एंटी स्पास्मोडिक इफेक्ट आपको दिखता है, और यूरिनरी इनकंटिनेंस के अंदर अगर आपको किसी का दिख रहा है यूरिनरी इनकंटिनेंस सही वर्क यूरिनरी सिस्टम नहीं कर रहा है तो ऑक्सीब्यूटाइनिन नाम की दवाई अपन दे सकते हैं। डिट्रसर हाइपर रिफ्लेक्सिया में अपन दे सकते हैं, एंड यूरासिस की कंडीशन में जिसमें ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ब्लैडर पर प्रेशर कम हो जाता है, ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ रही है पर प्रेशर कम हो रहा होता है तो एन यूरासिस हो जाता है, तो वहाँ पर भी आप ये दवाई दे सकते हो। ऑप्थेल्मोलॉजिक डिसऑर्डर किसी को हुआ हो, जैसे कि होमाट्रोपिन ट्रॉपिकामाइड वगैरह दवाई दी जाती है। एक्यूरेट मेजरमेंट अपन को रिफ्रैक्टिव एरर का अगर करना है, अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स को ही हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो कोऑपरेट करते नहीं हैं, तो फिर ये अपन देते हैं, या रेटिना को हम एग्जामिन करना हो माइड्रियासिस के केस में तब भी अपन इसको काम में ले रहे होते हैं दवाई को। अब साइड इफ़ेक्ट्स हम पढ़ें, उससे पहले एक बार थोड़ा सा सुन लीजिए कि हमने अभी क्या पढ़ा। हमने फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ी है, थेरापेटिक यूज़ पढ़ रहे हैं ना हम, तो उस पहले फार्माकोकाइनेटिक्स देखिए। एट्रोपिन स्कोपोलामिन और अधिकतर जो सिंथेटिक एजेंट्स हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं कंजंक्टाइवा और जीआईटी के अंदर। ये हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ट्रिपल बी यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस कर सकते हैं, ये पार्टली मेटाबोलाइज होते हैं लीवर में और पार्टली एक्सक्रीट होते हैं ये यूरिन में बिना चेंज हुए। थेरापेटिक यूजेस अपने एट्रोपिन और उसके सब्सिट्यूट्स के पढ़े हैं, सिर्फ एट्रोपिन के नहीं उसके सब्सिट्यूट्स के, क्योंकि मैंने कितने सारे नाम लिए ना यहाँ पर दवाइयों के, जैसे ये होमाट्रोपिन ट्रॉपिकामाइड वगैरह, तो मैंने कई नाम लिए, तो उनके अपन ने थेरापेटिक यूजेस पढ़े। माइड्रियाटिक साइक्लोप्लेजिया में ये काम आ रही है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के रूप में, साइलोरिया जिसको अपन हाइपर सलाइवेशन भी कहते हैं उसमें काम आ रही है, सीओपीडी ब्रोंकियल एस्थमा में काम आ रही है, जीआई कॉलिक या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया को अपन करना है तो अपन काम में ले सकते हैं, रीनल और बिलियरी कॉलिक के लिए काम में लेते हैं, यूरिनरी डिसऑर्डर के लिए लेते हैं, कोई पॉइजनिंग हो गई हो, पॉइजनिंग नाम मैंने अभी आपको बताया नहीं था, ऑर्गेनोफॉस्फेट का पॉइजनिंग हो जाती है तो एट्रोपिन लाइफ सेविंग ड्रग होती है, मैंने बताया नहीं आप नोट कर लीजिए। पॉइजनिंग जैसे ओपी की पॉइजनिंग हो जाती है, ओपी पॉइजनिंग अपन ने पढ़ी थी किस में, कॉलिनर्जिक ड्रग में मैंने पढ़ाई थी, मेरी प्रीवियस क्लास को आप देख सकते हैं। तो ओपी पॉइजनिंग में एट्रोपिन एक लाइफ सेविंग ड्रग है, कई बार कई कुछ लोगों को मशरूम की पॉइजनिंग हो जाती है तब भी एट्रोपिन ही दवाई दी जाती है। इसके अलावा क्यूरेर पॉइजनिंग कई बार देखी जाती है नियोस्टिग्मा इनके साथ में, तो मस्कैनिक इफेक्ट जो है वो काउंटरैक्ट हो जाता है नियोस्टिग्माइन की वजह से, तब अपन एट्रोपिन देते हैं। इसके अलावा वेगोलाइटिक के रूप में अपन एट्रोपी दे सकते हैं, पार्शियल हार्ट ब्लॉक किसी को हो गया हो तो एवी कंडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए अपन
देते हैं, इसको अपन वेगोलाइटी कहते हैं। और पार्किंसोनिज्म तो हमने पढ़ ही लिया है कि पार्किंसोनिज्म में अपन देते हैं सेंट्रली एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जैसे कि बेंजहेक्सोल जो है, जिसको अपन यहाँ पर मैंने आपको ट्राईहेक्सीफेनिडाइल बताया था, बेंजोट्रोपिन बताया था, ये प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है पार्किंसोनिज्म के लिए। दे आर ऑल्सो हेल्पफुल टू कंट्रोल ट्रेमर एंड रिजिडिटी ऑफ इडियोपैथिक पार्किंसोनिज्म। अब देखिए थेरेपेटिक यूजेस यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के। अब साइड इफ़ेक्ट्स हम पढ़ते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स के, भाई साइड इफ़ेक्ट्स ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी तो होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स कह लीजिए या एडवर्स इफेक्ट एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखिए, इस कहाँ कहाँ पर ये तो जितने भी अपन नाम पढ़े उन सब में इसका साइड इफ़ेक्ट्स है। GIT, आई यूरिनरी ट्रैक्ट, CNS, CVS, एक्यूट बेलेडोना पॉइजनिंग, ये सब इसमें साइड इफ़ेक्ट में अपन पढ़ेंगे। अब यहाँ पर बॉडी सिस्टम्स के नाम लिखे हुए हैं और दूसरे साइड आपको साइड या एडवर्स इफेक्ट लिखे हुए दिखाए गए हैं। कार्डियोवैस्कुलर में ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है और डिसरिदमिया कॉज करता है, रिदम बिगड़ जाती है कार्डियोवैस्कुलर में, टैकाईकार्डिया हो जाता है, पालपिटेशन हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है, ये इसके नुकसान हैं। CNS के अंदर CNS एक्साइटेशन, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, डिसऑरियंटेशन, ओरिएंटेशन बिगड़ जाता है लोगों का, हेल्यूसिनाइज्ड हो जाते हैं लोग, डेलिरियम के अंदर, ये भी दिमागी बीमारी है, ऐसा हो जाता है। तो लार्ज डोज अगर आप दे देते हो एट्रोपिन की तो उससे रेस्टलेसनेस, एक्साइटमेंट, डेलिरियम और हेल्यूसिनेशन होता है। इसके बाद आई में क्या बुरा असर पड़ेगा, पिपल्स डायलेट हो जाती हैं, आपको करवानी है डायलेट, कॉन्ट्रैक्ट हुई हुई है तो आप दे रहे हो, अलग बात है आप परमानेंट दे रहे हो, लगातार दिए जा रहे हो तो डायलेट हो जाएंगे पिपल्स। विजुअल एकोमोडेशन सही नहीं हो पाएगा, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाएगा, ये आई पे है, जिससे कि पर्सन को फोटोफोबिया होने लगता है, सर में दर्द रहने लगता है, ब्लड विजन हो जाता है बड़े लोगों के अंदर। ये एक्यूट कंजेसिव ग्लूकोमा भी कॉज कर सकता है, इसलिए एंटीकोलिनर्जिक जो है वो ग्लूकोमा में नहीं दी जाती हैं कभी भी, ये मैं लाइन आपको बार बार बोल चुकी हूँ। इसके बाद GIT पर क्या ये असर दिखा रहा होता है, डिक्रीज सलाइवेशन, डिक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन, डिक्रीज मोटिलिटी, GI की मोटिलिटी कम हो जाएगी, सिक्रीशंस कम हो जाते हैं, सिक्रीशंस कम होने लगेंगे, सलाइवेशन कम होने लगेगा, मुंह सूख जाएगा पर्सन का, गला सूखने लगेगा पर्सन का, उसको निगलने में दिक्कत आएगी अगर गला सूख रहा है उसका, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहने लगेगी, तो ये GIT के एडवर्स इफेक्ट हैं। जिनाइटो यूरिनरी में ये यूरिनरी रिटेंशन कॉज करता है, ऐसा हम बार बार पढ़ रहे हैं, यूरिनरी रिटेंशन से क्या होगा, मिक्चुरेशन में डिफ़िकल्टी आएगी भाई, स्पेशली बड़े लोगों के अंदर, एल्डर मैन में जिनमें एनलार्ज प्रोस्टेट है और फिर ये दवाई और आपने दे दी है, इसलिए ये ऐसे पेशेंट्स में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट ग्लैंडुलर पे ये क्या असर दिखाएगा, डिक्रीज स्वेटिंग, पसीना कम आएगा, रेस्पिरेटरी में ब्रोंकियल सीक्रीशंस कम हो जाते हैं। इसके अलावा एक्यूट बेलाडोना पॉइजनिंग हो सकती है, बच्चों में ज़्यादा दिखाई देती है, जिसमें बच्चों में हाइपर पायरेक्सिया, मैंने कहा था ना बुखार चढ़ जाती है उनको, हाइपर पायरेक्सिया, हॉट रेड फ्लश्ड ड्राई स्किन हो जाती है, फोटोफोबिया होता है, ब्लड विजन हो जाता है, रेस्टलेसनेस, एक्साइटमेंट, कन्फ्यूजन, डिसोरियंटेशन, हेल्यूसिनेशन जैसी चीज़ कंडीशन बच्चों में हो जाती है अगर बेलाडोना की पॉइजनिंग हो जाए। फाइनली रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है उनमें, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो जाता है, कन्वल्सन होता है, कोमा होता है, मे बी की डेथ हो जाए। अब टॉक्सिसिटी देखिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की, नेक्स्ट टॉपिक है टॉक्सिसिटी ऑफ एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक ओवरडोज सिंड्रोम हो जाता है अगर आपने ये दवाई ज़्यादा दे दी तो, एंटीकोलिनर्जिक ओवरडोज सिंड्रोम, जिसको अपन बेलाडोना पॉइजनिंग कहते हैं, मैंने अभी जो बताई ना बेलाडोना पॉइजनिंग जो बच्चों में ज़्यादा होती है, कैसे अगर आप बेलाडोना धतूरा प्लांट के सीड्स और बेरीज अगर आप ज़्यादा खा लेते हैं, ज़्यादा कंजम्पशन कर लेते हैं, बेलाडोना की पॉइजनिंग हो जाती है, जिसके अंदर हाइपरथर्मिया या हाइपर पायरेक्सिया यानी बुखार चढ़ना, डेलिरियम, कन्फ्यूज रहता है ऐसा पर्सन, ड्राई माउथ, टैकाईकार्डिया, इलियस, यूरिनरी रिटेंशन, सीजर्स, कोमा, रेस्पिरेटरी अरेस्ट एंड डेथ में आल्सो अकर। तो इसका ट्रीटमेंट फिर कैसे करते हैं, गैस्ट्रिक लेवेज टैनिक एसिड के साथ में दी जाती है, कोल्ड स्पंजिंग और आइस बैग्स
का ट्रीटमेंट दीजिए, फाइसोस्टिगमाइन दीजिए, सब क्यूटेनियसली देना है आपको, या आईवी भी दे सकते हो, डाइजापाम दे सकते हो, कन्वल्जन्स अगर दौरे पड़ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए डाइजापाम दे सकते हो। तो ये तो ट्रीटमेंट है। इसके अलावा एक्चुअली एट्रोपिन की पॉइजनिंग के अंदर मेनली सिम्टोमेटिक अगर है तो हॉस्पिटलाइजेशन भी करना बहुत जरूरी है, हॉस्पिटल एडमिट करिए उसको। गैस्ट्रिक लेवेज, अगर इंजेस्टेड पॉइजन खाया गया तो गैस्ट्रिक लेवेज दे सकते हो। टैपिड स्पंजिंग, टैपिंग करिए आप उसके हाइपर पायरेक्सिया को ठीक करने के लिए, टैपिड स्पंजिंग आपको करनी है। कन्वर्जन के डाइजापाम मैं बता चुकी हूँ। सीवियर एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो गई है तो एंटीडोट दे सकते हो, यानी फाइसोस्टिगमिन आप उसको दे सकते हो। यहाँ फाइसोस्टिगमिन जो लिखी हुई है ये एंटीडोट है किसकी, एट्रोपिन के पॉइजनिंग की एंटीडोट है फाइसोस्टिगमिन, जो आप सबक्यूटेनियसली या इंट्रावीनसली दे सकते हैं। इट काउंटरैक्ट्स बोथ पेरिफेरल एज वेल एज सेंट्रल इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन पॉइजनिंग, हेंस फाइसोस्टिगमिन इज प्रेफर्ड ओवर नियोस्टिगमिन। नियोस्टिगमिन के कंपैरिजन में फाइसोस्टिगमिन ज़्यादा अच्छी है। ये एंटीकोलिनर्जिक के साइड इफेक्ट्स देखिए भाई, हेयर के अंदर हॉट उसको फील हो रहा है, ये खरगोश आपको दिख रहा है जिसको गर्मी बहुत लग रही है, हाइपर पायरेक्सिया हाइपरथर्मिया हो रहा है ना, बोन ड्राई हो गई है, सूखी हड्डी, मैंने कहा ब्लड विजन तो बैट की तरह अंधा हो जाता है पर्सन, बीट के जैसा, चुकंदर के जैसा लाल हो जाता है और पागल हो जाता है बेचारा, मैड एज अ हैटर ऐसा बन जाता है। ये साइड इफेक्ट्स हैं एंटीकोलिनर्जिक्स के। अब किन किन कंडीशंस में हमें ये एट्रोपिन नहीं देनी चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखिए, ग्लूकोमा में नहीं दे सकते, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, मैंने कहा था ना प्रोस्टेट में हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेसिया दोनों होता है जिसमें एनलार्ज हो जाती है प्रोस्टेट, एल्डर मेल के अंदर ये कॉमनली देखी जाती है बीमारी, उम्र बढ़ने के साथ ऐसा हो जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जीआई ट्रैक्ट में भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो आपको नहीं देनी है ये दवाई। इन्फेक्शियस डायरिया किसी को हुआ हो, रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस किसी को हुआ हो, टेकाई एरेथमिया किसी को हुआ हो, एंजाइना के केस में सीने में दर्द हो रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है, रिदम बिगड़ गया है तो टेकाई एरेथमिया, हाइपरथायरॉइडिज्म, थायरॉइड अगर ज़्यादा फंक्शन करने लग गई, और प्रेगनेंसी में ये दवाई बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। कॉन्ट्राइंडिकेशंस हमेशा हमें पता होना चाहिए। अब इंडिविजुअल ड्रग्स कौन कौन सी आती हैं भाई इसके अंदर, एट्रोपिन के अंदर, तो पहले तो एट्रोपिन ही है, ये प्रोटोटाइप है, एंटीडोट है ओपी पॉइजनिंग का, हम बार बार पढ़ चुके। आइप्राट्रोपियम ये राइनोरिया के अंदर यूज़फुल होती है, ब्रोंकोडाइलेटर का काम कर रही होती है, राइनोरिया नोज़ का डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिसऑर्डर है, तो ब्रोंकोडाइलेटर बहुत अच्छा ब्रोंकोडाइलेटर है आइप्राट्रोपियम। स्कोपोलामिन ये सीएनएस को डिप्रेस कर देता है, एमनेशिया कॉज करता है, ड्रॉजीनेस घबराहट चक्कर आना, यूफोरिया डर लग रहा होता है लोगों को, रिलैक्सेशन, स्लीप, इसके अलावा मोशन सिकनेस में भी और बहुत अच्छी है स्कोपोलामिन। गिवन पैरेंटरली ओरली एंड ट्रांसडर्मली, तीन रूट से आप दे सकते हो, पैरेंटल रूट से ओरली दे सकते हो और ट्रांसडर्मल आप इसको दे सकते हो। स्कोपोलामिन जिसको हायोसाइन भी कहते हैं, ये दूसरी बेलाडोना एल्केलॉइड है जो कि एट्रोपिन के जैसे ही एक्शन प्रोड्यूस करती है, इसका शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है एट्रोपिन के कंपेरिजन में। ये मोशन सिकनेस के लिए सबसे अच्छी दवाई मानी जा रही होती है, ये कॉलर्जिक इम्पल्सिस को ब्लॉक कर देती है वेस्टिबुलर एपरेटस से, एमेटिक सेंटर के वेस्टिबुलर एपरेटस से ये कॉलर्जिक इम्पल्सिस को ब्लॉक कर देती है, एंटी मोशन सिकनेस इफेक्ट ये दिखाती है। इसको अपन ओरली ट्रांसडर्मल पैच के रूप में, ट्रांसडर्मल में कैसे देते हैं, पैच के रूप में दी जाती है ये, एक्चुअली मोशन सिकनेस को रोकने का काम आ रही है, तो 0.2 mg ओरल आप दे सकते हो मोशन सिकनेस अगर आपको रोकनी है, स्कोपोलामिन आप दे सकते हो। कम से कम आपको जैसे भाई ट्रेन में जाने गए हो, ट्रेन में वॉमिटिंग हो रही है तो कम से कम आधे घंटा पहले ये दवाई आपको देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मेरे को अभी इस समय मोशन सिकनेस हो रहा है तो मैं दवाई खा लूँ और मुझे आराम मिल जाएगा, नहीं, आपको कम से कम आधे घंटा पहले ये दवाई लेनी है या पर्सन को देनी है, तब वो मोशन सिकनेस को कंट्रोल करेगा, अदरवाइज नहीं कंट्रोल करेगा। जो मैंने इसका कहा कि ट्रांसडर्मल पैच आप दे सकते हो, तो ये कान के पीछे लगाया जाता है मैस्ट्रॉइड प्रोसेस के ऊपर, कान के पीछे ये पैच जो है 4-5 घंटे पहले आपको जर्नी से पहले लगाना पड़ता है, इसका इफेक्ट 72 घंटे तक रहता है। इट मे कॉज सिडेशन एंड ड्राइनेस ऑफ माउथ, पर ये ध्यान रखना है कि इससे मुँह सूखने लग जाता है, सिडेशन, नींद आएगी, होश पूरा रहता नहीं है, ये इसके साथ प्रॉब्लम्स है।
नेक्स्ट दवाई है बेंजोट्रोपाइन। ये पार्किंसंस डिजीज़ में टेम्परली काम में ली जाती है, डिस्टोनिक रिएक्शन के लिए काफ़ी यूज़ में ली जाती है, इस ये एंटी साइकोटिक अपना असर दिखाती है। इसके अलावा ट्राई हेक्सीफेनेडाइल दे सकते हो, एंटी साइकोटिक की वजह से जो ईपीएस हो रहे होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए आप ये दवाई दे सकते हैं। इसके अलावा ये ग्लूकोमा में कभी नहीं दिए जाते हैं, ग्लूकोमा तो वैसे भी हम रोक ही रहे हैं किसी भी तरह की ऐसी चीज़ को देने के लिए। तो फ्लेवोक्सेट नेक्स्ट दवाई है, जो कि डिस यूरिया, यूरिन में प्रॉब्लम आ रही हो तो अपन फ्लेवोक्सेट दे सकते हैं डिस यूरिया, पेनफुल यूरिनेशन हो रहा तो उसको ठीक करने के लिए अर्जेंसी, हर थोड़ी थोड़ी देर में मतलब यूरिन को जब कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं तो फ्लेवोक्सेट अच्छी है फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए यूरिन की, ये सारी चीज़ें यूरिन की चल रही है भाई। पेन को उस यूरिनेशन के दौरान अगर कोई पेन हो रहा हो, गैस्ट्रो यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से पेन हो रहा हो तो फ्लेवोक्सेट दी जा सकती है। ऑक्सीब्यूटिनिन हैज डायरेक्ट एंटी स्पास्मोडिक इफेक्ट ऑन स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स में स्पास्मोडिक इफेक्ट को रोकने का काम कर रही होती है ऑक्सीब्यूटिनिन। एंटीकोलर्जिक इफेक्ट इसका होता है, ये वॉइडिंग की फ्रीक्वेंसी को कम करती है, हर थोड़ी थोड़ी देर में अगर यूट्रस को वॉइड करने के लिए जाना पड़ रहा होता तो उसकी फ्रीक्वेंसी को ये कम कर देगी। इसके साथ आपका ये एंटीकोलर्जिक वाला चैप्टर यहाँ ख़त्म।